हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पीपी टैक्स में। दोस्तों आज की न्यू अपडेट आप देख सकते हैं, सीसीएसटी एलएलबी रजिस्ट्रेशन जो हाल ही में रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं तो उसमें एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद पंजीकरण जोड़ दिया गया है। अब पंजीकरण स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत से स्टूडेंट जो परेशान हो रहे थे कि अब एमएमएच कॉलेज कब जुड़ेगा, उससे पहले जो मेरिट कॉलेज था वो भी ऐड कर दिया गया था। अब दोस्तों बात आती है एनएस कॉलेज की, ये कब तक ऐड होगा इसका कुछ पता नहीं है, कब इसका प्रोसेस रहेगा, तो पूरी जानकारी बताई जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। बहुत बच्चों के डाउट होंगे, उस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे कि एमएच कॉलेज अब तक कितने पंजीकरण हो चुके हैं, इसमें कितनी सीट अवेलेबल है। तो सीसी न्यूज़ की तरफ से एक न्यूज़ के माध्यम से बताया गया है कि दोस्तों आज के दिन पंजीकरण कितने हो गए एमएच कॉलेज में और ये एनएस कॉलेज कब तक ऐड होगा, पूरी जानकारी वीडियो में दी जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों उस नोटिस पर जो आज के न्यूज़ में दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर न्यूज़ की कटिंग ले रखी है, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं पढ़ के पूरी जानकारी बता देता हूँ आपको। दोस्तों इसमें बताया साफ साफ चीज़ें बताई गई है कि एलएलबी में दाखिले के लिए 170 पंजीकरण कराए गए हैं। ठीक है दोस्तों, एमएमएच कॉलेज जब से स्टार्ट हुआ है अब तक 170 पंजीकरण दोस्तों हो चुके हैं। जैसे कल स्टार्ट हो गया तो आज के दिन ये 170 पंजीकरण हो गए हैं, देख सकते हैं आप। अब इसे पूरी जानकारी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो जानकारी दी गई है, यानी एमएमएच कॉलेज में एलएलबी 3 वर्ष से पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए 24 घंटे के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 24 घंटे में 170 पंजीकरण हो गए हैं। यानी जो अभी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज ओपन हुए थे उसमें दोस्तों मात्र 15 से 20 पंजीकरण भी नहीं हो पाए हैं जब तक ये कॉलेज नहीं ओपन हुआ था। अब दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर 24 घंटे में मात्र 170 पंजीकरण हो चुके हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं नीचे जो बताई गई जानकारी के अनुसार, जबकि निजी संस्थानों में जैसे आपको मैंने बताया अभी सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में आपका आंकड़ा अभी सीटों में सापेक्ष ना के बराबर है, यानी कुछ पता ही नहीं है अब तक, सीटें हैं नहीं हैं पंजीकरण के लिए। यानी 15 से 20 पंजीकरण के बीच में भी जब ये ओपन हुआ था सेल्फ फाइनेंस का, इतने पंजीकरण हो चुके थे। जैसे ही मेरठ कॉलेज दोस्तों ओपन हुआ, उसके बाद एमएमएच कॉलेज दोस्तों ओपन हो गया तो सीटों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब दोस्तों पहले मात्र 5-10 से 15 रजिस्ट्रेशन हो रहे थे सेल्फ फाइनेंस में, अब गवर्नमेंट कॉलेज में आंकड़ा बढ़ गया, आप देख सकते हैं 170 पंजीकरण इसमें हो गए हैं। और जब से मेरठ कॉलेज ओपन हुआ है तो उसमें तो आंकड़ा पता ही नहीं है दोस्तों कब कितना दिया गया है। ठीक है, अब तो चलते हैं नीचे। यह स्थिति तब है जब अभी सीसीएस ने पंजीकरण की आखिरी तारीख घोषणा नहीं की है। अब दोस्तों मेन पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, अब तक कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है जो अब तक दोस्तों कोई लास्ट डेट पर बताई गई है। तो दोस्तों इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है एलएलबी की, अभी जो हाल ही में भी एग्जाम रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं एलएलबी के रजिस्ट्रेशन कोई अभी लास्ट डेट नहीं है। अभी तो न्यूज़ के माध्यम से कुछ अपडेट आ रही थी कि लास्ट डेट 5 सितंबर दी गई है। तो दोस्तों ऐसा कोई नोटिस अपडेट नहीं है, इसमें आप साफ साफ बता दिया गया, आप यहाँ पर पढ़ के देख सकते हैं। ये स्थिति है जब सीसीएस के पंजीकरण की आखिरी तारीख घोषणा नहीं की है, आने वाले 4 से 5 दिन में आंकड़ा कई गुना बढ़ने की संभावना बनी हुई है। इसलिए बनी है क्योंकि सेल्फ फाइनेंस में कॉलेज में एडमिशन हो नहीं रहे थे अब उसमें। तो दोस्तों जैसे ही पंजीकरण स्टार्ट हो चुके थे सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के, तो उसमें आंकड़ा 0 के बराबर था, उसके बाद 12-13 हुआ। अब जो जैसे ही मेरठ कॉलेज ओपन हुआ, एमएच कॉलेज होगा, तो देखो आंकड़ा बढ़ चुका है। अब आने वाले टाइम में जो होगा आंकड़ा बढ़ जाएगा, क्वेश्चन जो है दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज के लिए खोल दिए गए हैं। अब दोस्तों नीचे देख सकते हैं यहाँ पर जो सूचना दी गई है कि प्राचार्य डॉक्टर पीयूष चौहान के बताया है कि एमएच कॉलेज में एलएलबी में आज दाखिले के लिए हर बार कई गुना आवेदन होते हैं। दोस्तों यहाँ मेन चीज़ पढ़ सकते हैं आप, बताई गई है इसमें कॉलेज में आपको कई बार कई गुना आवेदन होते हैं, म्यूट कोड से लेकर तमाम सुविधा इसके अंदर उपलब्ध हैं। अब दोस्तों मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ, लास्ट डेट के बारे में कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कब उसकी लास्ट डेट आएगी। ऐसी न्यूज़ के माध्यम से बताया जाएगा कि आपका नोटिस जो आएगा वो लास्ट डेट आपकी कब होगी। अब दोस्तों एनएस कॉलेज कब ऐड होगा, मैं एनएस कॉलेज के बारे में बता देता हूँ। एनएस कॉलेज का कोई अपनी डाटा भी नहीं अपडेट हुआ है, उसकी तरफ से कोई सीट जारी नहीं करी है कि आप उस कॉलेज में 120 सीट है या 150 सीट है या 300 सीट है, 300 सीट है। तो दोस्तों इसमें कोई आंकड़ा नहीं है एनएस कॉलेज का तरफ से, कोई अभी बार काउंसिलिंग की इनकी तरफ से कोई नोटिस नहीं गया है। तो दोस्तों इसका कोई अभी चांस नहीं है कि एनएस कॉलेज दोस्तों आपका ओपन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों ओपन तो करना ही होगा क्योंकि अब जो सीट होगी मेरठ कॉलेज में उसके अलावा एनएस कॉलेज में सीट इन्हें भरनी पड़ेगी। तो ब्यूरो तैयार हो रहा है, तो जल्द से जल्द इनका भी नोटिस अपडेट हो जाएगा कि हाँ उसके अंदर एनएस कॉलेज जोड़ दिया गया है। मैं आप दिखा देता हूँ दोस्तों, अब उस नोटिस पर चलते हैं वेबसाइट पे, जहाँ दोस्तों आपको देखना है कि आपका एमएच कॉलेज जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, आपको कंफर्म करके दिखा देते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, बच्चों को बहुत समझ से परेशानी रही थी कि आपके जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें मल्टीपल आ रहा है, यानी मल्टीपल इसलिए आ रहा है किसने यूजी में कैंपस में किया हुआ है, किसने यूजी में कॉलेज में किया हुआ है। तो गलती से लोग बाग
जो कैफे कंप्यूटर कैफे से भरे रहे हैं या अपने आप फॉर्म भर रहे हैं, तो दोस्तों सावधानी से फॉर्म को भरें। अगर आप कैंपस में चाहते हैं तो दोस्तों कैंपस में ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। अगर कॉलेज में आप चाहते हैं तो दोस्तों कॉलेज में ही रजिस्ट्रेशन अपना करें। इसलिए मल्टीपल आप चांस ना लें कि आपको चाहते हैं कि मैं कॉलेज में एडमिशन लेना है और मुझे यूनिवर्सिटी में भी लेना है, तो दोस्तों ऐसे ना होने का, ठीक है। अब दोस्तों कॉलेज में चाहते हैं तो दोस्तों आपको 3 कॉलेज आपको चॉइस करने पड़ेंगे जब भी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, और यूनिवर्सिटी में चाहते हैं तो दोस्तों आपको एक यूनिवर्सिटी का ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ कुछ डाउट क्लियर होंगे आप इस वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं उस वेबसाइट पर जहाँ आपको चीज़ें दिखाई जाएगी कि आपका कॉलेज ओपन हुआ है नहीं ओपन हुआ है। जो स्टूडेंट फॉर्म भर रहे होंगे आप यहाँ पर स्थिति जान गए होंगे कि आपको लॉगिन किस तरह करना है। यहाँ ऑप्शन दे रखा आपको एप्लीकेशन लॉगिन करने के लिए, जैसे ऑप्शन यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आएंगे तो आपको यह मोबाइल नंबर फिल करना होगा। फिल करने के बाद पासवर्ड आपको डाल लेना है, फिर आप लॉगिन कर लेना है। मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ सभी चीज़ें। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल लिया है जो आपके फ़ोन में आए होंगे, तो आपको यहाँ पर वो चीज़ें डाल लेनी है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। आपको सभी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी कि आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है वो किस तरह करना है, कहाँ करना है, आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। पहले भी आपको पर्सनल डिटेल भरनी होगी, इसके बाद एजुकेशन डिटेल डालनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर कॉलेज डिटेल जो दी गई है, कॉलेज की डिटेल आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे आप 3 नंबर पर आएंगे, 3 नंबर पर आपको जो कॉलेज लॉक करने के लिए बताया गया कि आपको कॉलेज कौन लॉक करना है। अगर आप शीर्ष यूनिवर्सिटी के छात्र हैं या आपने शीर्ष यूनिवर्सिटी से बीए वगैरह किए वगैरह जो भी कोर्स आपने किया है तो आप इसे टिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी अन्य यूनिवर्सिटी से आपने कोर्स किया है तो दोस्तों आपको इस पर टिक नहीं करना है, ठीक है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई स्टूडेंट हो गए या फॉर्म भर रहे होंगे, दोस्तों उनके लिए ऑप्शन ये नहीं है, केवल शीर्ष यूनिवर्सिटी के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। आप थोड़ा नीचे आएंगे, अब दोस्तों आप देख सकते हैं कोर्स के बारे में। पहले आपको यहाँ पर डिग्री कोर्स सेलेक्ट करना होगा, फिर 3 ईयर का डिप्लोमा जो यहाँ पर कोर्स कर सकते हैं आप सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों दिया गया ग्रुप या सब्जेक्ट, आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके यहाँ पर दोस्तों होगा आपका लॉ, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। जैसे स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे मेरठ कॉलेज के होंगे, आपके गाज़ियाबाद के होंगे, तो दोस्तों आपको चॉइस करना है कि आप MH कॉलेज में फॉर्म भरना चाहते हैं या आपका मेरठ कॉलेज लॉक करना चाहते हैं, तो अपने अनुसार यहाँ पर लॉक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर सभी चीज़ें दी गई है, आपको डिस्ट्रिक्ट के अनुसार यहाँ पर चीज़ें लॉक करनी है। जैसे आप कह सकते हैं आपको गाज़ियाबाद का देखना है तो गाज़ियाबाद पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते आपके सामने क्लिक कॉलेज ओपन हो जाएगा नीचे। तो जैसे मैंने आपको बताया था MH कॉलेज ओपन हो गया है। एक चीज़ दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट एडिड, ठीक है। ये गवर्नमेंट उनके लिए है जो गवर्नमेंट फीस कॉलेज की तरफ से रखी जाएगी, गवर्नमेंट फीस आपको देनी होगी। ये प्योर गवर्नमेंट है, आपकी गवर्नमेंट की तरफ से ही यहाँ पर MH कॉलेज में LLB कराई जाएगी। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है सेल्फ फाइनेंस, तो दोस्तों इसमें आपको फ़ीस पे करनी होगी LLP की तरफ से, जो यहाँ पर फीस दी गई है, ठीक है। इतनी जानकारी आप देख सकते हैं। आप चलते हैं दोस्तों मेरठ कॉलेज की तरफ, जहाँ आपको वहाँ पर कॉलेज दिखाई देंगे। अब मेरठ डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर खुल जाएगा आपका कॉलेज। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर खुला है मेरठ कॉलेज। कुछ टाइम बाद यहाँ पर NS कॉलेज जुड़ने की संभावना बन जाएगी, तो आपको यहाँ पर शुरू में दिख जाएगा। तो दोस्तों यहाँ देख सकते गवर्नमेंट का यहाँ पर एडिट हो चुका है। सेल्फ फाइनेंस के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, तो दोस्तों मैंने आप सबको बताया है कि फ़ीस वगैरह आपको यहाँ पर पे करनी होगी सेल्फ फाइनेंस के अंदर, और गवर्नमेंट कॉलेज में इतनी फीस नहीं होती है, इसलिए आप चांस से वाला आपका गवर्नमेंट कॉलेज में चांस रहेगा जाते हैं आने के लिए। NS कॉलेज में है दोस्तों मेरिट कम पे जाती है, तो इसलिए अच्छा है आपका यहाँ पर कॉलेज जुड़ जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन अपने नहीं किया है तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि लास्ट डेट कोई अभी चांस नहीं है कि आ जाए, इसलिए ठीक है रोशन रोक के चल सकते हैं या अपना क्लियर करके चल सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको लगे कि मुझे करना है ऐड तो ऐड कर दें, अगर आपको सेशन कंप्लीट करना है तो अपनी तरफ से जो कोशिश अपना करके कर दें, ठीक है। अब जो सब कुछ बच्चों में समस्या बनी होगी, मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूँ एजुकेशन के बारे में। जैसे आप एजुकेशन डिटेल पाएंगे दोस्तों, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक कर दे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जो बेसिक डिटेल होगी BA वगैरह की आपको यहाँ पर दी जाएगी। जैसे आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा इंटर ग्रेजुएशन। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बने हुए हैं, जिन यूनिवर्सिटी से उन्होंने पास की है, अदर बोर्ड से पास की है, यूनिवर्सिटी से पास की है, तो दोस्तों उनके लिए आप यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करनी होगी, यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होगी, जो कोर्स आप वहाँ पर उन्होंने पास किया है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका आ रहा है 1 सब्जेक्ट। तो दोस्तों इसमें 1 सब्जेक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आप नहीं डाल सकते हैं, केवल आप यहाँ पर 1 सब्जेक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है यानी स्टार दिया गया है तो इसमें साफ साफ लिखा गया है। आप यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जो लिखा है टोटल
मार्क सब्जेक्ट ऑल द ईयर या ऑल सेमेस्टर। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऑल सेमेस्टर के मार्क्स डाल सकते हैं और कितने मार्क्स आपके दोस्तों यहाँ पर आए हैं वो आपके डाल सकते हैं। इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आप यहाँ पर जो नंबर डालेंगे, टोटल जो आपके मार्क्स आए हैं वो डालेंगे और कितने मार्क्स में, यानी आपके जो 3000 में से मार्क्स जो आए हैं वो आप, यानी मान 1500 मिले हैं आपको, 1600 मिले हैं, तो आप यहाँ पर आपको डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है टोटल मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट इन द ऑल ईयर। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ में आएगी, ऑल ईयर के यहाँ पर मार्क्स मांग रहा है या ऑल सेमेस्टर के मार्क्स यहाँ पर डालने होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे आप, तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आप सभी सब्जेक्ट यहाँ पर डालें। देख सकते हैं आप, इसमें कोई आपका स्टार मार्क्स नहीं है कि आपको सभी यहाँ पर डालने हैं। तो दोस्तों ये कॉलम आप छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई देगा कि अधिकतम मार्क्स कितने डालेंगे और कितने आपके आए हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, तो वो चीज़ आप जो ऊपर डाली गई थी 3000 नंबर डाले हैं और आपके 1500 या 1600 वाला जो भी आपके मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे नीचे डाल लेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगी। दोस्तों यही माननी है, जो आपकी मेरिट लगेगी वो इन्हीं नंबरों पर मेरिट आपकी लगेगी, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, वो आपको कोई सब्जेक्ट दिखाने के लिए है, केवल जो मेन चीज़ है दोस्तों यही आपकी दी गई है। अब इस चीज़ आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों ये थी बेसिक डिटेल आपको जो बताई गई है 14 जन विद्यालय की तरफ से, कुछ अपडेट आपके जो सामने दिखाई गई है। ऐसी नई नई अपडेट देखने के लिए वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल को अगर ना भूलें, कोई आपको डाउट फुल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर चलेंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जो बेसिक आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।